मनुष्य का धर्म क्या है? कम शब्दों में कोई पूछे कि मनुष्य का धर्म क्या है, तो क्या उत्तर है? सेवा ही परमो धर्मः। सेवा ही धर्म है। सेवा क्या है मेरी माँ? धर्म है। अच्छा, भक्ति को आप केवल माला जपने तक सीमित ना रखें। भक्ति इतनी छोटी नहीं है कि केवल माला जपने का नाम भक्ति। हम ये नहीं कहते कि आप माला ना जपो, माला तो मैं भी जपता हूँ और माला जपना चाहिए, परंतु केवल अपनी विचारधारा मेंटलिटी हमारी केवल माला तक सीमित ना रह जाए कि माला जपना ही माला, हमने दो माला कर लिए, चार माला कर लिए, भक्ति होगी बस। गुरु जी ने कहा था 11 माला जपना, होगी 11 माला जप लिए, टारगेट पूरा है, बस खत्म। बस ना, भक्ति माला जपने का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति की परिभाषा हमें समझनी पड़ेगी। माला भी जपना है, कथा भी सुनना है, पर भक्ति की सबसे बड़ी परिभाषा है भज। सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, उस हाल में अपने आप को भगवान में समर्पित करके जीव मात्र की सेवा करने लग जाएं, यही सबसे बड़ी भक्ति है। हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी क्या करते हैं? केवल राम राम जपते हैं, ऐसा तो नहीं है। हनुमान जी राम राम भी जपते हैं और सेवा भी करते हैं। सेवा कैसी की? लक्ष्मण जी पर संकट आया, मेघनाथ ने शक्ति छोड़ दी, मूर्छित हो गए। डॉक्टर ने कह दिया, वैद्य जी ने, कि यदि संजीवनी बूटी नहीं आई, समय से नहीं खाई, तो इनके प्राण बचाना मुश्किल है, ऐसा सुखैण वैद्य ने कह दिया था। हाँ, हनुमान जी ने क्या किया? सेवा की। सेवा क्या है? दवाई लाए ना हनुमान जी, कहाँ से? हिमालय। तुरंत हनुमान जी गए और दवाई लेकर के आए। केवल भगवान का नाम जपना ठीक है, हम नाम जपें, लेकिन हमारे भीतर जब तक सेवा का भाव नहीं होगा, तब तक हमारी भक्ति कच्ची रह जाएगी। सब प्रकार से समर्पण भगवान में हो, नाम भी जपना हो, कथा भी सुनना हो, पर सेवा का भाव जरूरी है। ये भाव जो है ना सेवा का, यही भाव हमारे अंदर भक्ति पैदा करता है। जैसे माचिस की तीली में आग है, पर जब तक उसे घिसा ना जाए, घर्षण ना किया जाए, तब तक आग प्रकट नहीं होती। उसी तरह हमारे अंदर की भक्ति तब तक प्रकट नहीं हो सकती, तब तक भगवान नहीं मिल सकते, जब तक हम सेवा का घर्षण ना करें। सेवा करेंगे भगवान मिलेंगे। इसलिए हमें अपने आप को, हम जहां हैं, हम पत्नी हैं तो हम पति की सेवा करें, हम पति हैं हम अपने माँ बाप की सेवा करें, हम डॉक्टर हैं हम मरीजों की सेवा करें, हम दुकानदार हैं हम ईमानदारी से दुकानदारी चलाएं, ग्राहकों की सेवा करें, हम किसान हैं हम ईमानदारी से फसल उगाएं, ईमानदारी से पैसा कमाएं, ईमानदारी से जीवन जिए, हमारी सेवा किसानी, किसान के लिए किसानी ही भक्ति है। परंतु वो इस भाव से करें कि ये खेत मेरा नहीं है, ये खेत भगवान का है और मैं भगवान का नौकर हूं। भगवान का बन के किसानी करेगा तो किसानी करना भी भक्ति है। डॉक्टर ये सोच के मरीज का इलाज करें कि मैं केवल निमित्त हूँ, इसकी जान बचाना भगवान का काम है, भगवान ही मरीज के रूप में आए हैं और मैं मरीज की सेवा नहीं, मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो वह मरीज भी अच्छा हो जाएगा और तुम्हारा जो समय मरीज के लिए खर्च हुआ वह समय भक्ति बनेगा, वो समय भक्ति की गणना में गिना जाएगा। ईश्वर उसे कहाँ काउंट करेंगे? भक्ति में काउंट करेंगे कि इन्होंने इतनी देर भक्ति की है, इतना देर भजन किया है। जितना देर आप माला जपते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक घंटे तक माला ही जपें, आप अपने कर्तव्य को करते हुए अपने आप को भगवान से जोड़ के और भगवान के लिए की गई हर क्रिया भक्ति मानी जाती है। मैं आज भोजन बना रही हूँ,
अपने लिए बना रही हूँ, अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, ऐसा भावना हो, इस भाव का कोई पुण्य नहीं है। आज मैं भोजन भगवान के लिए बना रही हूँ, तो भोजन बनाने में 2 घंटे लगेंगे, तो वह 2 घंटे भी भक्ति में ही गिने जाएंगे, क्योंकि आपने वह भगवान से जोड़ दिया। मैं वो खाना तुम्हें ही है, खाओगी तुम, लेकिन चूंकि भाव किसके लिए है, हम बना किसके लिए रहे हैं, भगवान के लिए, तो भोजन बनाना भी भक्ति है। अपने कुल मिला के अर्थ यह है, कुल मिला के हमें अपने आप को भगवान से जोड़ करके रखना चाहिए, जोड़ करके। पतंग अपने आप को धागे से जोड़ करके रखती है, जैसे पतंग अपने आप को धागे से जोड़ कर रखती है और धागे से अलग हो जाए तो कितने भी ऊंचाई पर हो हिचकोले खाती हुई नीचे आ जाएगी। जो अपने आप को भगवान से जोड़ के रखेगा वह बहुत ऊपर जाएगा, और जिस दिन तुम भगवान से दूर हो गए कितने भी ऊपर हो तुम आकाश में पर नीचे आ जाओगे। इसलिए नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। मनुष्य का धर्म है सेवा ही परमो धर्म, सेवा करो जीव मात्र की, सत्य बोलो और कभी किसी के साथ बुरा ना करो। हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मैं आपको स्टाम्प पे लिख के साइन करके दूंगा, मेरी माँ आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो विधाता आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। थोड़ा सब्र रखिएगा, ध्यान रखिए, सब्र रखना पड़ेगा हमें, बुरा नहीं होगा हमारे साथ। तुमने नहीं किया ना किसी के साथ, और तुमने किया है तो फिर अब देखो उम्मीद ना करना कि तुम्हारे साथ बुरा ना हो, होगा। हमने जो बोया है वही फसल हमें मिलेगी। पेड़ बोए बबूल का आम कहाँ से आए, जो बोया है काटना पड़ेगा। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, मनुष्य का धर्म है सही राह पर चलना, सही रास्ता अपना लो। गलत रास्ते छोड़ दो सदा सदा के लिए।